जम्मू कश्मीर में पांचवा यूटी फाउंडेशन डे विवादों के घेरे में तब आ गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोएलिशन सरकार ने इस दिन का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, इसका बायकॉट कर दिया। और ना सिर्फ सरकार बल्कि एनसी और कांग्रेस का कोई भी लीडर जो है इस फंक्शन में नहीं आया। लेकिन फंक्शन हुआ और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो है श्रीनगर के SKICC में इस फंक्शन को प्रेजाइड किया। और जब उन्होंने एड्रेस किया तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर ये जो हुआ है, जहां सरकार इसका हिस्सा नहीं बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उन्होंने बायकॉट किया है, तो क्या मनोज सिन्हा इस पे कहेंगे। उन्होंने ज़रूर कहा और सीधा निशाना साधा जो इलेक्टेड सरकार है, कहा कि ये एक दोहरा नापदंड है इस सरकार का, जहां वो शपथ ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का और ये भी कह रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब ये दिन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे है कई तरीके से, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये जो है सोच गलत है। और आज की सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित जो है प्रदेश है और यहाँ की सरकार को भी जो है बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये भी कह दिया कि जब वो स्टेट बनेगी तब वो स्टेट का दिन भी मनाएंगे। तो तीखा वार उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ, लेकिन अगर आप एनसी कांग्रेस की बात करें तो वो इस दिन को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दिन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ये फाउंडेशन डे नहीं है, क्योंकि वो कभी जम्मू कश्मीर को यूटी नहीं समझते, उनके लिए एक स्टेट है। और जहां एक तरफ वो स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कैसे वो जो है इस दिन का हिस्सा बन सकते। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में कोई भी सेंसिटिव फर्क जो होगा, जिसको यूटी और स्टेट के दरमियान का फर्क समझ आती होगी, वो इस दिन को कभी भी सेलिब्रेट नहीं करेगा। जहां तक मेरा ताल्लुक है या मेरी जमात का ताल्लुक है, हमारा हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि यूटी की इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वी हैव नेवर रिकग्नाइज्ड इट। हमारा स्टेट है, उस स्टेटहुड के वास्ते हम अभी भी जब लड़ रहे हैं, अभी भी हमने हमारा प्रिंसिपल स्टैंड सामने रखा है। तो हमसे ये तवक्का करना कि हम भी स्टेटहुड को सेलिब्रेट करें, उनके उस अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को ग्लोरीफाई करें, This would be asking too much from us. तो साफ तौर पे जैसे सब एक्सपर्ट्स ने कहा था कि सरकार जो है बन तो गई है, लेकिन आगे जो पावर शेयरिंग का मैकेनिज्म और जिस तरीके से LG और चीफ मिनिस्टर जो यूटी का है उनके बीच में जो पावर शेयरिंग हुई है, ये ऐसी जो है कंट्रोवर्सीज होती रहेंगी और आपस में जो है जिसको आप कहेंगे स्पार्क्स जो है फ्लाई होते रहेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से आज हुआ है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या इसका कोई असर पड़ता है या ये जो कंट्रोवर्सी है फाउंडेशन डे के दिन तक ही जो है सीमित रहती है। यहाँ पर संतारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर आज तक।